और तेज और तेज। हिम्मत नहीं हो रही, बैंड बज चुकी है इन दोनों की, बहुत तेज स्पीड है, पता नहीं लगा कि कैसे आ गए। मेरे को ऐसा लगा मैं जूते में कुछ है, नहीं कर पाएंगे। अभी तक भवन दिखा नहीं है। मैं तो थक गई है ईशा। सिक्योरिटी चेक हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमने डिसाइड किया हम नया वाला रास्ता पकड़ेंगे जिसमें अभी सारी उतराई है, पता नहीं चढ़ाई कब शुरू होगी। डंडे वंडे हमने ले लिए हैं, माता रानी का जयकारा लगा के हमने शुरू कर दिया अपना ही चढ़ाई। आज क्यों जाते जा रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही। कह रहा है ऐसा लग रहा है अभी रेलवे स्टेशन आ जाएगा। मैं बहुत साल पहले आई थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या काम पे, और ये रास्ता पूरा खाली है, यहाँ पे शॉप्स बहुत कम है। अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो अपना खाने पीने का पूरा सामान लेके आना, कुछ इतनी शॉप्स है यहाँ पे, पता नहीं सारे आएंगे, सब पुराने रास्ते से जा रहे हैं, हमें कोई दिख नहीं रहा रास्ते में, तो देखते हैं। अभी तो शुरू करा है हम लोगों ने, तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चढ़ाई शुरू हुई है हम लोगों की। अभी तो उतराई उतराई पे थे, उस पर इसकी बैंड बज चुकी है, बैंड बजना इज़ नॉट फाइन। तो सांस अभी चढ़ रही है हल्की हल्की, तो मास्क नीचे किया है, पर जय माता दी। और तेज और तेज गलती कर दी। और कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 14 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर कर ले। जयकारा है शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो हमारे साथ कोई भी नहीं है नए रास्ते पे नारे लगाने वाला। दिस इज बेसिकली द न्यू ट्रैक टू द भवन, वे टू भवन न्यू ट्रैक, एंड वाकई में बहुत अच्छा बना है यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी अर्धकुंवारी यहाँ से 6 किलोमीटर है और हमने पहला स्टॉप ले लिया क्योंकि सच में हिम्मत नहीं हो रही। कोशिश करेंगे अर्धकुंवारी पहुँच जाए, और एक घंटे में मे भी नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब आधा रास्ता है, एक घंटे में कवर कर लेंगे। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एक घंटे में कवर नहीं कर सकते। जैसे नाचना शुरू किया ढोल बंद हो गया। थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई। अब हमने टारगेट बनाया है कि हम 20 मिनट से पहले रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं। जय माता दी। आए हैं हम एक व्यू के पास, ये वर्थ इट होते हैं। और वो देखो वो दिल्ली का NSP वाला टावर बोला, ऐसे कुछ नहीं है। वो बर्फ के पहाड़ है और वहीं पे धूप निकली हुई है, यहाँ धूप नहीं है। माता रानी के ये शुरू हो गए भजन, पर माता रानी के भजन के साथ साथ बारिश शुरू हो गई है और आगे ऐसी छत नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमने रेनकोट भी नहीं लिया। कह रहा था रेनकोट ले लो, रेनकोट ले लो। एक तो इसने होटल वालों की बातों में आके ये महंगे डंडे और महंगे ये बैंड ले लिए, इस चक्कर में ये लुट गया। उसके बाद मेरे को लगा कि रेनकोट आगे मिल जाएंगे, और ये जो नया रास्ता है इसमें कुछ नहीं है, बारिश शुरू हो चुकी है। माता रानी कितनी परीक्षा लोगे। फाइनली हम लोग लंगर हॉल पहुंचे हैं, लास्ट जो एक स्टॉप लिया था उसके बाद भी काफी लिया है वैसे तो। अब यहाँ आके पता लगा कि अर्धकुंवारी इज ओनली 4.25 किलोमीटर लेफ्ट, बड़ा जरूरी है टाइम से अर्धकुंवारी पहुंचेंगे उसके बाद टाइम से सांची छत पहुंच पाएंगे। तो खा रहे हैं हम लंगर। मैडम हेलो, इधर है लंगर हॉल। पाँच या 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2 या 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। जितनी बार मन करेगा पर चढ़ के दिखाएंगे। उन्होंने 2 घंटे बोला है, तो मैक्सिमम 2.5 घंटे में करके दिखाएंगे। खाना खाने के बाद वहाँ पे बर्तन खुद धोने थे, जैसे ही पानी में हाथ डाला पता चल गया ठंड हो गई है भाई। मैंने साहिल की जैकेट ली है उधार,
क्योंकि मैं कोई गर्म कपड़ा लेके नहीं आई, मेरे पास सिर्फ एक स्वेटशर्ट पड़ी हुई थी। और कोई तो ये भी बोल रहा था कि ऊपर भवन पे शायद हमें स्नोफॉल भी मिले। हम लोग लंगर हॉल से 1 किलोमीटर और ऊपर भी आ गए। मैंने कहा मैं धीरे धीरे चलती हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ, आगे मिलते हैं। तो अच्छा लग रहा है, फाइनली एक वर्थ इट वाला व्यू मिला है हमें। और हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींची है जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, वहाँ फॉलो कर लेना। तो पहले व्यू देख लो। और अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो उस जगह ना बारिश हो रही है। यस, वो बारिश हो रही है एक्चुअली। हम जल्दी से चढ़ाई शुरू करते हैं क्योंकि अभी 3 किलोमीटर रहता है हमारा अर्धकुंवारी, जहाँ पे हमें पहुँचना है। थोड़ी सी एनर्जी आई है खाना खाने के बाद, तो जल्दी से चलते हैं। चलो अबे वो फट हो गया, वीडियो बननी है, फोटो खींच रहा था, वीडियो बना। हाँ, ताराकोट से 7 किलोमीटर है ना, हम 3 के करीब चल चुके हैं, 3.5 और। जय माता दी। सारे अर्थवॉर्म है, ठीक है, और मरे हुए हैं। और अभी हमने इसको दिखाया, ये सारे ये ऐसे उछला, अगर ढलान पे तो गिर जाते हैं। नॉर्मल मैं होता अर्थवॉर्म। ही वाज लिटरली लाइक दैट। सारे बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। वो सारी चढ़ाई करनी है हमने अभी, और देख के तो और डर लगता है। दीदी डर नहीं, पर बहुत ज्यादा आ गए हैं। डर नहीं लगता, बस घबराहट होती है, पर बहुत ज्यादा आ गए हैं। और अभी उससे भी ज्यादा चढ़ना है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे जूते में कुछ है। व्हाट इज दिस बिहेवियर, कोई बोल रहा है। लाइट ऑन हो गई। अभी ये पीछे कह रहा था कि हाँ, उन्हें पता लग गया कि हम बोल रहे हैं कि लाइट नहीं है, लाइट में उन्होंने लाइट ऑन कर दी। वाओ, हमें वैसे भी रात में उतराई करनी करनी है, तो हमने ये सोचा कि हम चढ़ाई में जितना टाइम ले सकते हैं ले लेंगे, पर उतराई में हम ज़्यादा हॉल्ट नहीं लेंगे, बिकॉज स्लोप है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा होपफुली। और जय माता दी। तो हम लोगों ने अर्धकुंवारी से पहले एक कॉफ़ी ब्रेक लिया है। अर्धकुंवारी ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा ही रह गया। साथ में थोड़े बहुत सैंडविचेस है जो मैं घर से बना के ले गई थी, अभी तक चल रहा है वो, तो वो खा रहे हैं ये लोग। देन हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। हमको क्या दिख रहा है, अर्धकुंवारी। इतनी खुशी ना शायद ही कभी हुई होगी। इतनी मेहनत करने के बाद एक पॉइंट पर तो ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी अर्धकुंवारी हाफ है, अभी जितना आए हैं उतना और भवन की तरफ जाना है हमें। बड़ी मुश्किलों के साथ, मतलब बहुत चढ़ाई करने के बाद हमने आधा रास्ता कवर किया है और हम अर्धकुंवारी पहुंचे हैं। पर यहाँ पे हम रेस्ट लेंगे फॉर हाफ एन आवर, अच्छा खासा आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे जाएंगे। तो अब हम अर्धकुंवारी से निकल रहे हैं भवन की तरफ। यहाँ तो दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि 8 बजे एंट्री है और यहाँ भी बज रहे हैं शाम के 6। प्लस हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, बट हमने उसको कैंसिल किया, 10 मिनट बैठे। अब बस थोड़े से कपड़े और एड ऑन करके, बिकॉज अब वाकई में ठंड हो गई और यहाँ पे गुप अंधेरा है, बिकॉज यहाँ पे जल्दी सनसेट हो जाता है। और अभी आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी लाइटें स्टार्स की तरह दिख रही है हमें माउंटेन्स पे। प्लस यहाँ बंदर बहुत है तो हम ज्यादा व्लॉग नहीं कर सकते। वापस चल तो दिए हैं भैया टूवर्ड्स भवन, पर लाइट नहीं आ रही और अब मेरे को डर लग रहा है कि चढ़ाई कैसे करेंगे भवन की रे। पहले हम 3 थे, फिर हम 4 लोग हो गए, एक कोई नॉन हमारा मिल गया, अब सिर्फ 2 रह गए, क्योंकि अब हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। मतलब हमारी नहीं, मैडम की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, तो मैं कंपनी दे रहा हूँ उनको, मोटिवेशन दे रहा हूँ कि कर हर मैदान फतेह। एक और लाठी चाहिए, फिर रुक जाऊंगी, फिर चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, यही चलता है बस। सब तो कोई नहीं, और जय माता दी।
जय माता दी। क्या हो गया दीदी? जय माता दी करती जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ती जा। कह तो रहे हैं यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, पर अभी तक भवन दिखा नहीं है। और ऊपर ना एक रास्ता जा रहा है, वो देख के मैं डर गई थी कि और ऊपर जाना है। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा से, देख रही हूँ ऊपर जो लाइटें जल रही है, मेरे को लगा यहाँ जाना है और इसके बाद हमको भवन दिखेगा। बहुत ज्यादा डर गई थी एकदम से कि इतनी ऊपर और जाना है, बट फिर उन्होंने बताया कि वो सांझी छत का रास्ता है जो पुराने वाला आता है। फाइनली अब आप भवन देख सकते हो दीदी, कैसा लग रहा है? चले भाई, जय माता दी, जय माता दी, चलते हैं। चलो फिर, जयकारा शिवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अदिति कितनी दूर है भवन? थोड़ी सी। एकदम से भवन ने जब दिखा ना तो इसके वक्त बदल गए, हालात बदल गए। पहले लिटरली इस मैडम के आंसू निकल गए थे कि अब नहीं हो रहा। देखो ये कैसे ग्रुप्स में सोते हैं बंदर, हग करके। पेंगुइन्स भी ऐसे सोते हैं, आई गेस हडलिंग कहते हैं इसको, ठंड से बचने के लिए ना। ये पत्थर काट काट के ऐसे बनाए हुए हैं और यहाँ से पानी बह रहा है, पता नहीं क्यों। वाटरफॉल यही देख ले तू बस। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भवन के बिल्कुल एकदम पास में। अभी कुछ पता नहीं है, ये भी हो सकता है कि हम लोग रात स्टे करके फिर सुबह दर्शन करें, अभी कुछ ऐसा डिसाइड। खाना खाने के बाद बिल्कुल जान नहीं रही थी, नाक बिल्कुल एकदम लाल हो चुकी है, बिल्कुल भी जान नहीं है। और ये शशांक और साहिल नहा के आया है, पानी बर्फीला पानी, मैंने कहा मेरे से ना हो पाएगा। मैंने कहा मेरे से ना हो पाएगा। अब हम दोबारा नीचे उतर रहे हैं ताकि हम लॉकर में अपना सामान सारा जमा करवाने के बाद हम लोग दर्शन कर पाए। फाइनली इतने मेहनत के बाद हमें दर्शन होंगे, उसके बाद का क्या प्लान बनता है वो हम दर्शन के बाद बताएंगे। तो अभी के लिए सारा सामान करवाते हैं जमा, दर्शन के बाद मिलते हैं, माता रानी के दर्शन के बाद मिलते हैं।